आज हम हीटिंग इफेक्ट्स जो होते हैं कंपाउंड पे हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है जिनका हीटिंग इफेक्ट हमको देखना है। तो पहला हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स। तो ये हमारे पास कंपाउंड होते हैं और इनके इन पर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है ये हमको बताना है। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बता दोगे और CO2 जो है वो निकल गई, आसानी से बता दोगे। लेकिन ये जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनेट्स जो है वो मेटल के थ्रू बनेंगे और मेटल्स जो हमारे पास होते हैं मेटल्स का नंबर अप्रॉक्स 92 होता है। इसका मतलब हमारे पास 92 मेटल कार्बोनेट भी होंगे। तो यार जब हमको 92 मेटल्स पता नहीं है कौन कौन से होते हैं तो निश्चित बात है 92 मेटल्स कार्बोनेट भी नहीं पता होंगे। हमें कार्बोनेट ही पता नहीं होंगे तो उनका डिकम्पोजिशन भी नहीं हम बता पाएंगे कि वो कैसे डिकम्पोज होंगे। तो हमने एक आसान तरीका निकाला, हमको भले 92 मेटल्स याद नहीं हूं, भले 92 मेटल्स कार्बोनेट हमें पता नहीं हूं उनके फॉर्मूले, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला दे दे और हमसे कहे कि इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा तो हम ये जरूर बता देंगे कि इसका डिकम्पोजिशन ऐसे होगा। तो वो मेथड, वो ट्रिक क्या है, डिकम्पोजिशन ट्रिक क्या होती है कंपाउंड की, तो हम बता देते हैं। 92 मेटल्स जो होते हैं वो उनको आप तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमारी सोसाइटी जो होती है तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है, ऐसी मेटल को आप तीन सोसाइटी बना दो मेटल की। पहली सोसाइटी सुपर क्लास, इसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये चार मेटल्स जो होते हैं वो सुपर क्लास में हमारे आते हैं। फिर इसके बाद लोअर क्लास इसमें हमारा सिल्वर और मरकरी आता है। चार तो ये हो गए, दो ये हो गए, छह हो गए, बाकी के जितने भी मेटल बचे हैं वो सारे के सारे आप जो है वो मिडिल क्लास में रख दो। ठीक है, अब आपको जितने भी कॉमन मेटल जो है वो याद आते जाएं वो आप मिडिल क्लास में जो है उनको रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, जो भी आपको याद आते जाएं वो सारे के सारे आप इसमें रख सकते हो। बेरिलियम, बेरियम, टेटेडिस, वो सारे के सारे आप मिडिल क्लास में रखते हो। ठीक है, ये जनरल डिकम्पोजिशन ट्रिक है। ये डिकम्पोजिशन ट्रिक जो है मतलब सुपर क्लास के कार्बोनेट जो होंगे वो एक जैसे ही डिकम्पोज होंगे, मिडिल क्लास के कार्बोनेट एक जैसा डिकम्पोजिशन होगा, लोअर क्लास के कार्बोनेट का एक जैसा डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तीनों के डिकम्पोजिशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, इसलिए हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया।
ऐसे ही नाइट्रेट के केस में भी होगा। सुपर क्लास के नाइट्रेट अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे, मिडिल क्लास के नाइट्रेट अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे और लोअर क्लास के नाइट्रेट अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे। ऐसे ही सल्फेट के केस में होगा, लोअर क्लास के सल्फेट जो हैं अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे, मिडिल क्लास के सल्फेट अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे एंड सुपर क्लास के अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे। हाइड्रोक्साइड के केस में भी अलग होगा, ऑक्साइड के केस में भी ऐसा ही होगा। तो अब इनके जो डिकम्पोजिशन को हम इंडिविजुअली देखेंगे, हम हमारा जो मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन ये इंडिविजुअली हम आपको बताएंगे मेटल कार्बोनेट की वीडियो में, मेटल नाइट्रेट की वीडियो में इंडिविजुअली बताएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड का इंडिविजुअली डिकम्पोजिशन बताएंगे, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड का बताएंगे, ऐसे ही ऑक्साइड का बताएंगे डिकम्पोजिशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।